नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज दिनांक 17 सितंबर 2020 को कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित नगर पालिका रोड आजमगढ़ में लोजपा के कार्यालय पर अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा ताम्रकार महासभा एवं पूर्वांचल जनमोर्चा संयुक्त तत्वाधान में ब्रह्मांड विश्व शिल्पी श्री भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन दिवस महोत्सव के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महासभा एवं जनमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार ने भगवान विश्वकर्मा के ऊपर प्रकाश डालते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित किया और कहा कि हम समाज के सभी बंधुओं को पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार द्वारा पूजन दिवस की छुट्टी दी गई थी। वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार से विगत कई वर्षों से मांग किया जा रहा है कि छुट्टी 17 सितंबर की छुट्टी बहाल की जाए, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रहा है। साथ ही साथ पिछड़ों के अगुवा बने देश के माननीय प्रधानमंत्री को हजारों लाखों मांग पत्र के माध्यम से विश्वकर्मा बंधुओं के तमाम संगठन लगातार अब तक मांग करते रहे हैं, उस पर अभी तक केंद्र और राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं दिया, जिससे विश्वकर्मा वंशज के साथ साथ अन्य धर्म एवं मजहब के साथ सभी वर्गों के लोग काफी नाखुश हैं, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य को भुगतना होगा। इस अवसर पर श्री शिल्पकार द्वारा आजमगढ़ जनपद के पत्रकार बंधुओं एवं अधिवक्ता के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, जिसमें सर्वश्री पत्रकार बंधु अजय सिंह सोलकार, दानिश खान, अनिश मिश्रा, उबैद खान, अधिवक्ता हाईकोर्ट इलाहाबाद निहाल अहमद बेग व पूर्व सांसद रमाकांत यादव के प्रतिनिधि हरीश चंद यादव समेत आदि लोगों को श्री भगवान विश्वकर्मा जी एवं महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चित्रों के साथ साथ अंगवस्त्र देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामप्यारे यादव एवं संचालन प्रमोद विश्वकर्मा ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित सर्वश्री अभिषेक विश्वकर्मा, गगन शर्मा, राजेश्वर मिस्त्री, अक्षयलाल विश्वकर्मा, आंशिक कुमार यादव, रामविलास विश्वकर्मा, शिवप्रकाश चतुर्वेदी, विंध्याचल प्रधान, रामकेश प्रजापति, राजकुमार प्रजापति, पूर्णमासी ठठेरा, प्रकाश ठठेरा, छोटू सोलकार, धीरज कुमार, नीरज कसेरा समेत आदि लोग उपस्थित रहे। कहना चाह रहे हैं आज पूर्वांचल जन मोर्चा एवं अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा तामकार महासभा के संयुक्त तत्वाधान में श्री भगवान विश्वकर्मा का पूजन दिवस एवं महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न किया गया कलेक्ट्री कचहरी नगर पालिका रोड पर। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि भगवान विश्वकर्मा जी कर्म योगी रूप एक महान शिल्पी थे, समाज के सभी प्रकार के निर्माण उन्होंने किया है, उनके वंशजों ने उनके पुत्रों द्वारा निर्माण किया गया है। संस्कृत में तो मैं मनु त्रष्टा दैवज्ञ शिल्पी बोला जाता है, लेकिन अगर हिंदी में इसका मैं उच्चारण कर दूं तो ठठेरा कसेरा तामकार महातामकार बढ़ई लोहार स्वर्णकार या सुनार कुंभकार प्रजापति पत्थरकट शिल्पी नाई आदि जातियां उपजातियां इसके भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं। भगवान विश्वकर्मा का पूजन दिवस सिर्फ वंशज ही नहीं बल्कि गैर वर्ग गैर समाज गैर धर्म गैर मजहब के लोग भी भगवान विश्वकर्मा को पूरे संसार में आज 17 सितंबर के दिन पूजा करते हैं और उनको उत्साहित होकर हर्षोल्लास के साथ उनका पूजन दिवस का कार्यक्रम करते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है पुनः भगवान विश्वकर्मा का जो एक तरह से देखा जाए अनादर करने का काम किया है, जो छुट्टी पूर्व की सरकार में मिली थी उसको निरस्त कर दिया है। भारतीय सरकार केंद्र की सरकार जो है उन्होंने भी वादा करके भगवान विश्वकर्मा के वंशजों या उनके अनुयायियों के साथ छल करने का काम किया है। हम बारंबार इस बात को दोहराएंगे कि भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती पूजन दिवस का राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। आज तक ये घोषित नहीं किया गया, अब इसके बाद समाज में बैठकर संगठन छोटे बड़े जितने भी विश्वकर्मा वंशज के हैं और भगवान विश्वकर्मा के अनुयायी लोग हैं उनके बीच में चलकर एक जनसंपर्क के माध्यम से एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा और सरकार को इसका खामियाजा केंद्र और राज्य सरकार दोनों को भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। जय विश्वकर्मा, जय विद्या।